7 ऐसे स्टेप्स जिन पे अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका जो हार्डवेयर बिजनेस है वो कभी ग्रो नहीं होगा। तो आज के इस वीडियो पे मैं आप सभी को 7 ऐसे स्टेप्स बताने जा रहा हूँ जो आप सभी के हार्डवेयर बिजनेस को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। अगर आपका हार्डवेयर बिजनेस अच्छा चल रहा है तब भी आपको ये वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि आप इन फ्यूचर इन गलतियों को करने से बच सकते हो। और अगर अभी आप ओपन करने की सोच रहे हो या ओपन कर चुके हो तो आपको इन 7 गलतियों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, और अगर इनमें से कोई चीज़ कर चुके हो तो उसका भी सोल्यूशन आपको आने वाले कुछ वीडियोस में मिल जाएंगे। क्योंकि बात यह है कि बिजनेस है, कोई ऐरा वैरा चीज़ नहीं है कि एक ही वीडियो में सब कुछ आपको अच्छे से बता दिया जाएगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और यहाँ पे लगभग 4-5 वीडियोस आएंगी बिजनेस रिलेटेड जो आपको हेल्प करेगी आपके बिजनेस को सक्सेसफुली ग्रो करने का। तो आज की वीडियो पे हम सिर्फ 7 स्टेप्स जानने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को अपना इंट्रो दे दूं कि आप मुझ पर बिलीव करोगे क्यों। ये जो मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा ये तो कोई भी आपको बता सकता है, गूगल पे सर्च करके मेरे पे ही आपको ट्रस्ट क्यों करना है। देखो, मुझसे भी बहुत अच्छे खासे लेवल के एक्सपीरियंस के हैं लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत एडवांस हूँ या मुझे सब कुछ मालूम है, बहुत मालूम है, कुछ ऐसा नहीं है। बस बात यह है कि मेरे खुद के हार्डवेयर स्टोर हैं, 6-6 स्टोर हैं सेम ही लोकेशन पर, जिसका लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आस पास के हो या फिर आना चाह रहे हो तो आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, चेक कर सकते हो, ठीक है। सामान वगैरह भी खरीद लेना। तो और मैं बचपन से ही अपने दुकान पर ही रहा हूँ और दुकान पे ही काम करता रहता हूँ, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। तो इस पर्पज़ से मैं आपको बता रहा हूँ, और थोड़ा सा अपना खुद का रिसर्च भी है, इस वजह से थोड़ा सा नॉलेज है मेरे में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब ये एक तरह से न्यू है आपके बिजनेस का, वो है डिटरमाइन योर टारगेट मार्केट। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हार्डवेयर एक बहुत ही वास्ट कैटेगरी है, जैसे कि एक मान लो एक टेक है, ठीक है। टेक में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मोबाइल गियर होता है, लैपटॉप का सामान हो गया, कैमरे का एक्सेसरीज हो गया, बहुत सारी चीज़ें आती हैं टेक के अंदर। वैसे ही हार्डवेयर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि फेविकोल वगैरह का, जैसे कब्जा वगैरह हैंडल वगैरह होता है, सैनिटरी वेयर आता है उसी के अंदर, जिसमें लैटरिन सीट और वाटर टैंक CPVC पाइप फिटिंग वगैरह जो होती हैं, वाटर सप्लाई के जैसे सारे सामान होते हैं। उसके अलावा लोहे के भी काम आते हैं, सरिया, सीमेंट, ये सारा भी हार्डवेयर के अंदर ही आता है। इंगल पत्ती होता है वो भी इसी के अंडर आता है। बहुत ही वास्ट कैटेगरी है, टाइल्स वगैरह, मार्बल्स वगैरह, ये सारे हार्डवेयर बिजनेस के अंदर आते हैं। तो ये ऐसी चीज़ें ना कि अगर आप सोचो कि एक हार्डवेयर का स्टोर खोल के ये सारा चीज़ ही आप बेचने लगो तो ये इम्पॉसिबल है। आप बेच नहीं सकते अनलेस आपके पास बहुत ही बड़ा कैपिटल हो, कि हार्डवेयर बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिन पे सभी लोग आके आसानी से नहीं ओपन कर सकते। इसमें लगता है कैपिटल, भर्ती लगता है, अच्छा खासा भर्ती लगता है। और अगर आपके पास नहीं है तो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप नहीं ओपन कर सकते, आप 1-2 लाख से भी इस बिजनेस को ओपन किया जा सकता है। बस छोटे लेवल पे, बहुत ही छोटे लेवल पे होगा, और बहुत ही स्पेसिफिक प्रोडक्ट के रिलेटेड ही होगा। जब आप उससे आप पैसे कमाने लगो, प्रॉफिट होने लगे, तब आप धीरे धीरे स्केल कर सकते हो। बहुत सारे मेरे एरिया के ही ऐसे किए हैं जिन्होंने काफ़ी कम कैपिटल से अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया, और आज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा कर लिया, कि फिर भी 15-20 लाख के कैपिटल पे आ चुके हैं, ठीक है, जो 1-2 लाख से स्टार्ट किया था। तो ग्रोथ कर सकते हो, बस उसमें आपका दिमाग लगेगा, जिसके बारे में कभी शुरू में बात करेंगे। तो सबसे पहला, डिटरमाइन योर टारगेट मार्केट। नंबर 2 है, क्रिएट अ बिजनेस प्लान। अब जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपको किस कैटेगरी में जाना है, ठीक है, आपको लेट सपोज सैनिटरी वेयर में जाना है, ठीक है, आपको चाह रहे हो कि आप टाइल्स वगैरह, आप लैटरिन सीट, वॉश बेसिन, वाटर टैप और जो वाटर सप्लाई के सारे फिटिंग्स होते हैं उन सबको अगर आप रखना चाह रहे हो, तो ये आपका डिसाइड हो गया। अब आपको एक बिजनेस प्लान बनाना है कि आपके पास कितना कैपिटल है, आप कितना कैपिटल लगाना चाह रहे हो, कहाँ से वो आपको सामान मिलेगा। जैसे कि अगर आपको वाटर टैप खरीदना है तो वाटर टैप के कौन से मैन्युफैक्चरर हैं, कौन से होलसेलर हैं, डीलर हैं, जो आपको अच्छे रेट पे बढ़िया क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे, ठीक है, कहाँ से आप खरीद सकते हो। कुल मिला के आपको वेयर टू बाय ये आपको ढूंढना पड़ेगा आपके लोकल एरिया में, आपके जहाँ भी आप रह रहे हो। लेट सपोज अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हो, मैं आपको आइडिया भी दे देता हूँ, अगर आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हो तो आपके लिए कानपुर, लखनऊ, ये सारा ये जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा, आपको अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट अच्छे रेट में मिल सकते हैं, ठीक है। तो देखो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में उसे पूछ सकते हो, नहीं तो मेरे इंस्टाग्राम पे आके वहाँ से मुझे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हो, ठीक है। क्योंकि क्या है कि वीडियो में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं छूट जाए, क्योंकि लंबा स्टेप्स है और हो सकता है मैं कुछ चीज़ें भूल जाऊँ, इसलिए अगर आपको कोई डाउट आ रहा हो तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन पे है, वहाँ से जाकर आप मुझसे कोई सवाल वगैरह वो पूछ सकते हो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिजनेस प्लान में आपको ये भी सोच कर रखना है कि इसका स्टोर है, स्टोरेज कहाँ होगा, वेयर हाउस क्या होगा आपका। देखो, अगर आप बढ़िया कैपिटल लगा रहे हो तो आपके पास एक वेयर हाउस होना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक स्टोरेज हो, एक सामान, एक गोदाम आपको बनवा कर रखना होगा। या तो कोई अगर आपके पास खाली जगह पड़ा हुआ है तो उसको
अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास देखो हार्डवेयर में जो सामान वगैरह होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, तो अगर आप ये सोच रहे हो कि कम सामान थोड़ा सा सामान लेकर आऊँगा थोड़ा थोड़ा और हो जाएगा, तो नहीं होने वाला। आपको यहाँ पर पहली बात तो सामान बड़े बड़े होते हैं, हैवी होते हैं, और सैनिटरी वेयर में काफ़ी नाजुक सामान होते हैं, अगर टाइल्स वगैरह गिर जाए तो टूट सकता है। इसलिए आपको एक अच्छा स्टोरेज वेयर हाउस बनवा के रखना होगा, तभी आप अच्छे से काम कर पाओगे। नंबर 3, चूजिंग बिटवीन अ हार्डवेयर शॉप वर्सेस हार्डवेयर फ्रेंचाइजी मॉडल। अब फ्रेंचाइजी मॉडल आप सभी को मालूम होगा, आजकल बहुत सारी कंपनी आ गई हैं जो अपना फ्रेंचाइजी बेचती हैं, जैसे कि हिंडवेयर हो गया, सुप्रीम हो गया, अपोलो हो गया, बहुत सारे हैं। ठीक है, इन पर कैपिटल लगता है फ्रेंचाइजी लेने के लिए, आपको मालूम होगा कि कैपिटल अच्छा खासा लगता है। ठीक है, लाइसेंस वगैरह सही लगते हैं, तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप फ्रेंचाइजी मॉडल की तरफ जाना चाहते हो या खुद का स्टोर खोलना चाहते हो। अब दोनों के अलग अलग प्रोस एंड कॉन्स हैं। अब इन 7ों स्टेप पे 7 अलग अलग वीडियो बनेगी। ये एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ और थोड़ा बहुत आपको एलोबरेट कर दे रहा हूँ, बाकी आने वाली वीडियोस में आपको एक एक स्टेप्स के एकदम डिटेल वीडियो मिलेंगे। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपका ही बेनिफिट है इसमें। ठीक है, तो ये आप डिसाइड कर लेना, और अगर नहीं डिसाइड कर पा रहे हो तो थोड़ा सा वेट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी ही वीडियोस आएगी। ठीक है, स्टेप नंबर 4 है गेट द रिक्वायर्ड लाइसेंस एंड परमिट्स। देखो लाइसेंस आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से लाइसेंस रखते हैं? काफ़ी लाइसेंस रखते हैं, जैसे कि ऊपर ऊपर से बताऊँ तो GST वगैरह, और जिन भी अगर किसी प्रोडक्ट का अगर आप डीलरशिप टाइप का ले रहे हो या फिर अच्छा काम कर रहे हो तो वहाँ से लाइसेंस वगैरह लेना होता है, जिसके बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आने वाली वीडियोज़ पे, जब इस स्टेप 4 पे हम लोग आएंगे। बट GST वगैरह तो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड है, इंपॉर्टेंट है, आप ले लोगे तो आप ही का फायदा रहेगा, क्योंकि आपका काम ये बड़ा काम है। आप कोई छोटा सा गारमेंट का स्टोर नहीं खोल रहे हो, आप कोई टपरी टाइप का नहीं लगा रहे हो, ठीक है, कोई मोमोज का दुकान नहीं खोल रहे हो, चाय की टपरी नहीं खोल रहे हो, जहाँ पर अगर आप GST नहीं ले रहे हो तब भी आपका चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप काम कर रहे हो बड़ा, आपका लग रहा है कैपिटल अच्छा खासा, तो अगर आप यहाँ पे 2 नंबर जैसे आधार कार्ड के थ्रू काफ़ी सारे हमें काम मतलब एक लिमिट मिली हुई है कि हम प्रोडक्ट उससे मंगवा सकते हैं, 2-4 आधार कार्ड मिलाकर हम 2-4 लाख का माल उठा लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये सही नहीं रहेगा। अगर आप GST ले लेते हो तो आप भी सेफ रहोगे, आपको माइंड टेंशन नहीं रहेगा। मैं देखता हूँ काफ़ी सारे लोगों को आधार कार्ड की मदद से 4-5 अपने दोस्त यार से या किसी अपने लेबर वगैरह से मंगवा लेंगे, और वहाँ पर उनको टेंशन रहेगा कि माल आ रहा है कहीं पकड़ ना जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए। ठीक है, और ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है, 1-2 रुपये का ही फर्क पड़ता है रेट के मामले में। तो इस वजह से आप GST ले लोगे तो आपका ही फायदा रहेगा, वहाँ पर फर्जी टेंशन की कोई दिक्कत नहीं है, और सरकार में बहुत सारी बेनिफिट भी देती है, जैसे कि अगर आपको लोन वगैरह लेना हो तो वहाँ पर भी आपको बेनिफिट मिलता है। तो जो काम करो भाई, नंबर 1 काम करो जहाँ पर मेंटली स्ट्रेस ना रहे। ठीक है, ये इसमें आप लॉन्ग टर्म फायदा रहेगा आपका। नंबर 6 है सोर्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स फॉर योर हार्डवेयर स्टोर। अब ये चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कि कौन सा सामान आपको कहाँ से खरीदना है और क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के समय में बहुत सारा कंपटीशन है, आप क्या यूनिक दे रहे हो? आपसे भी बड़े बड़े कैपिटल वाले काफ़ी टाइम से इस्टेब्लिश हैं, जैसे कि मैं खुद का बताऊँ तो मेरे बाबा से चली आ रही है दुकान, लगभग 60-70 साल हो चुका है मेरे दुकान को, तो जो गुडविल मेरी बिल्डअप है मेरे मार्केट में वो आप आके अचानक से तोड़ नहीं सकते। इसलिए आप दिमाग लगाओ, आप जिस भी एरिया में दुकान नया खोल रहे हो तो वहाँ पर आप क्या यूनिक दे रहे हो, कुछ तो यूनिक क्वालिटी होनी चाहिए। या तो कोई आप यूनिक प्रोडक्ट लेके आओ जो मार्केट में मतलब लोगों को ज़रूरत है, लेकिन वो चीज़ वहाँ कभी कभार होता क्या है हार्डवेयर स्टोर में, जैसे कि जिसका स्टेबलेस हो गया, मैं अपना एग्जांपल चलो समय आपको थोड़ा सा मिलता जुलता देता हूँ कि क्या होता है कि जब जैसे किसी का स्टेबलिस बिजनेस है हार्डवेयर में, तो वो अब उसी में स्टेबलिस हो गया कि हाँ मेरा ये सामान तो चल रहा है, बढ़िया कैश फ्लो है, तो मैं इसी पे फोकस करता हूँ। लेकिन आप नए हो, आपको पता है कि हाँ कस्टमर की ये प्रॉब्लम भी है और ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, डिमांड है पर सप्लाई नहीं है, तो आप उस डिमांड को फुलफिल कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? आपको मार्केट रिसर्च करना पड़ेगा, खुद मेहनत करना पड़ेगा। बिजनेस करने जा रहे हो, प्रॉफिट अच्छा खासा कमाओगे, तो भाई स्टार्टिंग में मेहनत भी करना होगा, आपको रिसर्च भी करना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट चलता है। अब मैं आपको बहुत ही जल्दी से बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। मेरे मार्केट में झटका मशीन एक प्रोडक्ट है, ठीक है, आप सभी को नहीं मालूम होगा तो मैं चैनल पर वीडियोज़ पढ़ी जाकर देख सकते हो। झटका मशीन मेरे मार्केट में नया नया एक लोकल का बिजनेस लेकर आया था, नया नया बिजनेस उसने ओपन किया था, उसने दिमाग लगाया कि क्या चीज़ मार्केट में ट्रेंडिंग है, लोग इस्तेमाल करना चाह रहे हैं बट अवेलेबल नहीं। झटका मशीन लेकर आया, स्टार्टिंग के 1-2 साल अच्छा खासा कमाया, डबल डबल मतलब कैपिटल का डबल प्रॉफिट लेकर, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा बट अच्छा प्रॉफिट उसने किया। ठीक है, तो वही चीज़ है, अगर आप नए आ रहे हो तो आप कुछ ऐसी चीज़ें लेकर आओ जो कस्टमर की प्रॉब्लम है लेकिन कोई फुलफिल करने वाला नहीं है, ठीक है, कोई अवेलेबल नहीं मार्केट में करा पा रहा है, तो वहाँ पर आप उस गैप को फिल करोगे, तो आप एक यूनिक नेम भी अपना बिल्ड कर पाओगे और जल्दी से ग्रो कर पाओगे। ठीक है, तो मैं आपको एक जो चीज़ है सच्चाई बताता हूँ, जैसे कि आपका बेनिफिट हो,
फर्जी की बकचोदी मैं आपको नहीं बता रहा हूँ कि ये ऐसे कर लो वैसे कर लो। सभी लोग आइडियाज तो बहुत लोग दे रहे हैं कि ये बिजनेस बढ़िया रहेगा वो बिजनेस बढ़िया रहेगा। मैं जिस बिजनेस से बिलोंग करता हूँ और जिसमें मैं एक्सपर्ट हूँ, मैंने सिर्फ आपको उसी के बारे में बताया है शुरू से ही, और उसी के बारे में ही बताऊंगा क्योंकि और किसी बिजनेस के बारे में मुझे नॉलेज नहीं। इन फ्यूचर अगर कोई और बिजनेस करूंगा जिन पे मेरा एक्सपीरियंस और नॉलेज होगा तो मैं आपको खुशी खुशी बता दूंगा। नंबर 6 है लॉन्च योर हार्डवेयर स्टोर। अब इतना सब कुछ आपने कर लिया, आपने टारगेट मार्केट ढूंढ लिया, बिजनेस प्लान बना लिया, चूज भी कर लिया कौन सा बिजनेस आपके लिए सही रहेगा, फ्रेंचाइजी या खुद का, उसके बाद लाइसेंस वगैरह भी लेने की सारी प्लानिंग हो गई, कर ले भी हो सकता है, सोर्स भी आपको पता चल गया कि कहाँ से आपको माल उठाना है, कितने में पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट वगैरह सब कुछ, बहुत सारा झंझटें, बहुत सारी झंझट रहती हैं बिजनेस में, कोई एक आसान काम नहीं है बिजनेस करना, ठीक है, खासकर बड़े लेवल पे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप सभी ने कर ली तो बधाई हो, कॉन्ग्रेट्स, आप अपना अब हार्डवेयर स्टोर ओपन कर सकते हो। अगर आपको बढ़िया लोकेशन भी मिल गया है तो और भी बढ़िया, ठीक है। लास्ट है क्रिएट बज अराउंड योर हार्डवेयर स्टोर। बज मतलब होता है कि आपको थोड़ा सा प्रमोशन वगैरह भी करना है आज के टाइम पे, सोशल मीडिया के टाइम पर अगर आप अपने हार्डवेयर स्टोर का प्रमोशन नहीं कर पा रहे हो, हार्डवेयर नहीं किसी भी स्टोर का, कोई भी काम आप कर रहे हो अगर उसका प्रमोशन नहीं कर पा रहे हो तो क्या कर रहे हो भाई, ठीक है। आपको ऑनलाइन आना चाहिए, प्रेजेंस बनानी चाहिए, कुछ नहीं तो आप अपना फेसबुक पेज बना सकते हो, गूगल मैप पे अपनी लोकेशन डाल सकते हो और आसपास के लोगों को बता सकते हो कि हमने ये हार्डवेयर स्टोर खोली है, यहाँ पर आपको ऐसे ऐसी सर्विसेज रहेंगे, प्रोडक्ट मिलेंगे, ठीक है। खुद के ही सर्विसेज को, खुद के ही प्रोडक्ट को प्रमोट करना कोई गलत बात नहीं होती है। बड़े बड़े टाटा और अंबानी खुद ही अपना प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, खुद खुलेआम करते हैं और हम लोग को शर्म आती है कि यार अच्छा नहीं लगता, करो ठीक है, आपका ही फायदा है। तो यह था वीडियो, अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आओ तो सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो क्योंकि यहाँ पर बिजनेस रिलेटेड, अर्निंग रिलेटेड तो मैं ज़्यादा डालता नहीं, मेरा थोड़ा सा प्रोडक्ट रिलेटेड चैनल है, बट अगर आपको नीड है तो कमेंट में मुझे बताना, वीडियो जरूर आएगी उसके ऊपर। अब इसके अलावा और नेक्स्ट वीडियोज़ में आप सबको क्या मिलने वाला है, सबसे पहले जितने भी 7 स्टेप बताए हैं इनका एलोब्रेट फॉर्म मिलेगा, एकदम डिटेल वीडियो मिलेगी। उसके बाद कुछ चैलेंजेस, क्या चैलेंजेस आते हैं हार्डवेयर बिजनेस में ओपन करने में, ओपन करने के बाद जो भी इस चैलेंजेस आते हैं वो सारी आपको पता चलेगी आने वाली वीडियोस पे, और भी कुछ चीज़ें जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको हेल्प कर सकती है बिजनेस को अच्छे से ग्रो करने में, ठीक है। चलो मैं थोड़ा शुरू पे, जय श्री राम।